सो हेलो डॉग लवर्स, डॉग टॉक प्रेजेंट्स गेटिंग अ न्यू फरी फ्रेंड। आज है गेटिंग अ न्यू फरी फ्रेंड का फर्स्ट एपिसोड, विच ब्रीड इज परफेक्ट फॉर यू, आपके लिए सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है फैमिली डॉग ब्रीड्स। अगर आपकी एक जॉइंट फैमिली है और आप चाहते हैं उनके साथ घुल मिलने वाला कोई आपके साथ डॉग हो जो उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उनको एंटरटेन करे, तो आपके लिए सबसे परफेक्ट डॉग ब्रीड रहेंगी लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, बीगल और पग। सेकंड है गार्ड डॉग्स। अगर आप चाहते हैं आपके पास एक ऐसी डॉग ब्रीड हो जो आपको थीव्स से बचाए, कोई अगर गलत इंसान आपके घर में घुस जाता है तो उससे बचाए और आपके घर को पूरा का पूरा सेफ रखे, गार्ड करे, आपके लिए सबसे परफेक्ट डॉग ब्रीड रहेंगी रॉटवाइलर, अमेरिकन पिट बुल टेरियर, जर्मन शेफर्ड डॉग और डोबरमैन। अब हम थर्ड पे आते हैं, लेजी डॉग्स फॉर लेजी पीपल, यानी कि आलसी कुत्ते आलसी लोगों के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके पास एक ऐसी ब्रीड हो जो आपके साथ घर में हमेशा रहे, आपको उसको ज्यादा वॉक्स पे ना ले जाना पड़े, ज्यादा पार्क में ना ले जाना पड़े, आप खुद एक लेजी बंदे हैं मतलब आलसी इंसान है, तो आपके लिए परफेक्ट ब्रीड रहेंगी इंग्लिश बुलडॉग्स, शिट जू एंड सेंट बर्नार्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको इन्हें वॉक पे नहीं ले जाना, आप इन्हें वॉक पे ले जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 20-15 मिनट आप इनको वॉक पे ले जाके इससे ही ये खुश हो जाएंगे, या शायद उससे भी थोड़ा सा कम आप इनको वॉक पे ले जा सकते हैं उससे भी ये सेटिस्फाइड होंगे, तो ज्यादा आपको वॉक नहीं कराना पड़ेगा इन डॉग ब्रीड्स। हमारा फोर्थ पॉइंट है डॉग्स फॉर वर्किंग पीपल, यानी कि डॉग्स जो कि काम करने वाले लोगों के लिए है, जो कि ऑफिस जाते हैं, काम के लिए जाते हैं बाहर। अगर आप चाहते हैं एक डॉग ब्रीड लेना लेकिन आपको बाहर जाना पड़ता है अपने वर्क के लिए, लेकिन चाह के भी आप एक डॉग ब्रीड नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आपको काम रहता है, आप उसका ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो उसकी वजह से आप डॉग्स पाल नहीं पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको परफेक्ट ब्रीड बताऊंगा जो कि अकेले रह सकती हैं घर में, चिहुआहुआ, ग्रेहाउंड और माल्टीज। हमारा फिफ्थ पॉइंट है ब्रीड फॉर स्मॉल अपार्टमेंट्स, यानी कि अगर आपके पास छोटा अपार्टमेंट है जिसमें आप चाहते हैं ब्रीड रखना, लेकिन आपको लगता है कि हमारे इस अपार्टमेंट में ज्यादा कोई ब्रीड्स नहीं रह पाएंगी, तो उसके लिए मैं आपको ब्रीड्स बताता हूँ, बिशन फ्राइज, कैवेलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल, बीगल्स एंड पोमेरानियन। अब हमारा सिक्स्थ पॉइंट है हाइपर एक्टिव डॉग ब्रीड्स, यानी कि जो कि बहुत ज्यादा प्लेफुल हो, बहुत ज्यादा खेलने वाली ब्रीड्स हो। अगर आप एक ऐसे इंसान है जिनको खेलना बहुत पसंद होता है, जो एथलेटिक है, आप खेलते बहुत हैं, भागने दौड़ने वाला आपको डॉग चाहिए जो आपके साथ खेले, आपके साथ रन करे, तो उसके लिए मैं आपको ब्रीड बताता हूँ, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड डॉग और बीगल। ये ब्रीड्स आपको कभी भी बोर नहीं करेंगी। अगर आप चाहते हैं आप खेलें किसी डॉग ब्रीड्स के साथ या आप बोर हो रहे हैं, तो ये ब्रीड्स आपके लिए बहुत परफेक्ट हैं। हमारा सेवेंथ और आखिरी पॉइंट है ब्रीड फॉर फर्स्ट टाइम ओनर्स, यानी कि अगर आप पहली बार किसी डॉग को लेने का सोच रहे हैं तो ये ब्रीड्स आपके लिए परफेक्ट होंगी, लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर। ये दोनों ब्रीड्स बहुत ही अच्छी हैं अगर आप पहली बार कोई डॉग पालना चाहते हैं, ये दोनों बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर होके इनको पालेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, आप आगे और भी डॉग्स पाल पाएंगे, इससे आपको पता चलेगा कि इनकी केयर कैसे होती है, इनको खाना पीना, इनकी वैक्सीन्स एंड बहुत सारी चीजें आपको इनके बारे में पता चलेंगी, उससे आप आगे और भी डॉग्स रख पाएंगे। सो गाइस, आज के हमारे गेटिंग अ न्यू फरी फ्रेंड के एपिसोड के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना कर दें। ये मैं सीरीज आगे भी कंटिन्यू करूंगा एंड इस पे मैं और भी एपिसोड्स बनाऊंगा, मैं एपिसोड्स के नाम एंड में लिख दूंगा ताकि आपको पता चले कि आगे कौन कौन से एपिसोड जाने वाले हैं, और मैं सब पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एक ब्रीड पे इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट करके उस ब्रीड का नाम बता सकते हैं। बाय बाय।